एक तो लॉकडाउन के चलते लोग वैसे ही काफी परेशान हैं, उस पर ठगों ने भी अपना काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है। आज बिजनौर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक महिला से दो ठगों ने ठगी करके हजारों रुपयों का चूना लगा दिया। महिला मोहल्ला जाटान की रहने वाली है। महिला का कहना है कि वो आज बैंक आई थी, जब वो बैंक से वापस जा रही थी तभी उन्हें दो लड़के मिले जिन्होंने उन्हें बातों में लगाया और उनका पर्स लेकर साफ हो गए। महिला का कहना है कि उनके पर्स में 7-8 हज़ार रुपयों के साथ साथ एटीएम और अन्य सामान भी मौजूद था। महिला के साथ ठगी की खबर मिलते ही सीओ सिटी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और महिला से की गई पूछताछ के आधार पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही ठगों का पता लगा लिया जाएगा। आपका कहाँ के रहने वाले हो? क्या हुआ आपके साथ? मैं यहाँ से जा रही थी बैंक से घर के लिए और उससे एकदम आए दो लड़के थे और एकदम उन्होंने मुझे रोका। रोक के ऐसे बात करी और बात करते करते कहा तुम्हारा दिमाग बहुत कश्ती में और ये है वो है। मैं वहाँ से आया हूँ हरिद्वार से और कि मैं ये करूँगा वो करूँगा इस तरह की बातें कर रहा था। अब उन्होंने कहा तुम दो कदम आगे चलो। मैं वहाँ तक गई और उसने टॉप तो मैंने निकाले उसको दिए निकालने उन्हें निकलवाया कहा बैग में रख लो ये पहनो मत इन्हें निकाल के इसमें रख लो बैग में। उन्हें बैग में रखवाए और वो लेके एकदम मैं तो मुझे वहाँ तक भेजा दो कदम और मैं दो कदम गई वो भाग गए। कितने पैसे थे बैग में? 8-9 हज़ार। और क्या क्या ले गया आपको? एटीएम में मेरे इसी बैंक के एक बड़ौदा बैंक की बुक है दो बुक मेरी यही की है लॉकर की चाबी है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं घर यहाँ से बैंक से घर ही जा रही थी बैंक में आई थी मैं और FD है मेरी 8 लाख। कितने लोग थे? दो जने थे। बाइक से थे? ये नहीं देख पाई मैं बाइक पे तो नहीं तो पैदल खड़े थे बताए थे।